शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण में हम लोग पहुंच चुके हैं, 18वें अध्याय में। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अष्टावक्र गीता में राजा जनक अनेकानेक प्रश्न करते हैं, जो जीवन के रहस्य, आत्मबोध, आत्मज्ञान और लौकिक व्यवहार से भी कुछ जुड़े हुए प्रश्न है, जिनका बहुत ही सहज और सरल भाव में अष्टावक्र मुनि उत्तर देते हैं। आज 18वें प्रकरण में हम लोग पढ़ेंगे, यस्य बोधोदय तावत् स्वप्नद भवति भ्रमः तस्मै सुखकरूपाय नमः शांताय तेजसे। इस प्रकरण में शांति की प्रधानता को दिखलाते हुए प्रथम शांत रूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं। जो आत्मा शांत रूप है, जिसमें संकल्प विकल्प नहीं उत्पन्न होते हैं, और जो सुख और प्रकाश स्वरूप है, जिसके स्वरूप के ज्ञान होते ही यह संसार भ्रम स्वप्न की तरह मिथ्या प्रतीत होने लगता है, उस आत्मा को नमस्कार करता हूं। प्रश्न आता है कि धनी लोग भी तो संसार में सुखी दिखाई पड़ते हैं, उनमें और ज्ञानी में क्या भेद है? अर्थात कोई अच्छा काम करके भी सुखी है और बुरा काम करके भी सुखी है, तो फिर अंतर क्या है? अष्टावक्र मुनि जी कहते हैं कि हे जनक, धनी लोग स्त्री, पुत्र, धन आदि के अर्थों को संग्रह करके उनको भोगते हैं और उनके नाश होने पर अत्यंत दुखित होते हैं। यदि समुद्र पर्यंत धन करके पूर्ण यह पृथ्वी पुरुष को मिल भी जावे, तो भी वह स्वर्ग की नित्य ही इच्छा करता है। संसार में धनवान ही प्रायः करके रोगी दिखते हैं। किसी धनी को क्षुधा का, किसी को प्रमेह आदि का रोग बना ही रहता है, और कोई नहीं तो अहंकार का रोग तो हो ही जाता है। आलस्य, प्रमाद, अहंकार, आत्म प्रशंसा की भूख इत्यादि मनोरोग उनको होते ही होते हैं। धनियों की परस्पर स्पर्धा बहुत रहती है। उनको राजा और चोरों से भय नित्य ही बना रहता है। चोरों के भय से रात्रि को नींद नहीं आती है। धन के संग्रह करने में और धन की रक्षा करने में उनको बड़ा क्लेश होता है। संसार में जितना दुख धनियों को है, उतना दुख गरीबों को नहीं है। धन करके जो विषय भोग आदि के से सुख है, वह सुख नाशवान है, तुच्छ है। इस वास्ते संपूर्ण धन आदि विषय भोगों के त्यागे बिना सुख रूपी आत्मा की प्राप्ति कदापि नहीं होती। जैसे बांझ के पुत्र को असत जान लेना ही उसका त्याग है, बिना असत जानने के उसका त्याग बनता नहीं है, क्योंकि जो वस्तु तीनों कालों में है ही नहीं, उसका त्याग कैसे किया जावे? इसलिए उसका मिथ्या जानना ही त्याग है। इसी तरह संकल्प विकल्प रूपी जितना जगत है, उसको असत जान लेना ही उसका त्याग है। इसी वार्ता को अब दिखलाते हैं। कर्तव्य रूपी जितने कर्म हैं, उनसे जन्य जो दुख है, वही एक सूरज की तत्परता अग्नि है। उस अग्नि करके जिसका मन दग्ध हो रहा है, उसको शांति रूपी अमृत जल के बिना कदापि सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, यह जगत संकल्प मात्र है। परमार्थ दृष्टि से तो आत्मा से अतिरिक्त कोई भी वस्तु भाव रूप अर्थात सत्य रूप नहीं है। आत्मा ही सत्य रूप है और संपूर्ण प्रपंच अभाव रूप है अर्थात असत्य रूप है। प्रश्न आता है कि अभाव रूप प्रपंच भी कालादिक के बस से भाव स्वभाव वाला हो जाएगा? क्या यह संभव है? उत्तर में अष्टावक्र मुनि कहते हैं, भाव रूप और अभाव रूप में स्थित स्वभावों का अभाव रूप कदापि नहीं हो सकता। अर्थात भाव पदार्थ का अभाव कदापि नहीं होता है। भाव का पदार्थ अभाव का भावी कभी नहीं हो सकता है, और अभाव पदार्थ का भाव कदापि नहीं होता है। जैसे मनोराज के और स्वप्न के पदार्थों का कदापि भाव नहीं होता, वैसे प्रपंच के पदार्थों का कदापि भाव नहीं होता। जैसे मनोराज स्वप्न के पदार्थ सब संकल्प मात्र हैं, वैसे जागृत के पदार्थ भी सब संकल्प मात्र हैं। संकल्प के दूर होने से संसार रूपी ताप भी दूर हो जाता है। संकल्पों का नाश ही मोक्ष का हेतु है। संकल्प के दूर करने मात्र से आत्मा कैसे अमृत को प्राप्त होती है, कैसे सुख मिलने लगता है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, आत्मा किसी की दूर नहीं है और आत्मा परिच्छिन्न भी नहीं है।
क्योंकि सर्वत्र व्यापक है। इसी वास्ते आत्मा नित्य ही प्राप्त है। मन के संकल्प के वश से अज्ञानी पुरुष आत्मा को प्राप्त को ही सब कुछ मानते हैं। जैसे किसी पुरुष के कंठ में स्वर्ण का भूषण पड़ा है, तथापि उसके भ्रम के वश से ऐसा ज्ञान होता है कि मेरा भूषण कहीं खो गया है। यद्यपि वह भूषण उसको प्राप्त भी है, परंतु भ्रम करके अप्राप्त की तरह प्रतीत होता है। वैसे ही यह आत्मा सर्व पुरुषों को नित्य प्राप्त भी है, पर अपने स्वरूप के अज्ञान होने से संकल्पों के वश से अप्राप्त की तरह हो रहा है। आत्मा विकल्पों से अतीत है, अर्थात मन के विकल्पों के अभाव हो जाने से जाना जाता है, एवं वह विकारों से भी रहित है और उपाधियों से शून्य है और सदैव एक रस है। जब आत्मा नित्य ही प्राप्त है, तब फिर शास्त्र के विचार की और आचार्य के उपदेश की क्या आवश्यकता है? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि आत्मा नित्य ही प्राप्त है, तब फिर शास्त्र ज्ञान और गुरु के उपदेश की क्या आवश्यकता है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि हे जनक, अज्ञान रूपी मोह का आवरण सबके अंतःकरण में हो रहा है। उस आवरण करके आत्मा का साक्षात्कार किसी को नहीं होता। उस आवरण के दूर करने के लिए गुरु और शास्त्र की आवश्यकता है। जैसे दूर पुरुषों ने एक नदी के पार उतर करके कहा कि सबको गिनती कर लो। कोई नदी में बह तो नहीं गया, क्योंकि कुछ लोग नदी पार करके जा रहे थे। उनमें से एक पुरुष जब गिनती करने लगा, तब उसने अपने को छोड़ करके औरों को गिन लिया। तब एक आदमी गिनती में कम आए, उसने कहा 10वां पुरुष नदी में बह गया। फिर दूसरे ने गया, तब उसने भी अपने को छोड़ करके ही गिना। तब भी सभी ने यही कहा कि एक पुरुष गायब हो गया, 9 बचे हैं। इसी तरह हर एक ने अपने को छोड़ करके गिना और एक कम पाया। तब उन सबको निश्चय हो गया कि 10वां पुरुष नदी में बह गया। फिर वे सब मिलकर रोने लगे। उधर से एक बुद्धिमान पुरुष आया, उसने उनको रोते देखकर पूछा, तुम क्यों रोते हो? उन्होंने कहा कि हम 10 आदमी थे, नदी पार कर उतर रहे थे, उनमें से एक आदमी नदी में बह गया है। उनकी वार्ता को सुनकर उस आदमी ने जब उनको गिना, तब वे 10 पूरे थे। उसने जाना ये सब मूर्ख है, तब उनसे कहा, हमारे सामने तुम फिर गिनो। उसके सामने जब एक उनमें से गिनने लगा, तब उसने अपने को न गिना और कहा, केवल हम लोग 9 हैं। तब उसने कहा, 10वां तू है। तब उसको ज्ञान हुआ कि हम सब पूरे हैं, कोई भी नदी में नहीं बहा है। सारांश क्या निकलता है कि अज्ञान के बस होकर जो अपने आत्मा को तीर्थों में और पर्वतों में खोजता फिरता है, वह 10वें पुरुष की तरह अपने को नहीं जानता है। जब गुरु उसको उपदेश करता है, तब वह जानता है कि सुख रूप आत्मा मैं हूं। इसलिए गुरु और शास्त्र की भी आवश्यकता है। तात्पर्य यह है कि जिसने गुरु और शास्त्र के उपदेश को श्रवण करके अपने स्वरूप का निश्चय कर लिया है, उसके अंतःकरण में फिर मोह रूपी आवरण कदापि नहीं रहता, किंतु वह संसार में शोभा को प्राप्त होता है। संपूर्ण जगत मन की कल्पना मात्र है। आत्मा शुद्ध है, नित्य मुक्त है, कदापि वह बंधन में नहीं है। बंधन और मोक्ष मन में स्थित है। उस मन के शांत होने से बंधन और मोक्ष भी शांत हो जाते हैं। आत्मा नित्य मुक्त है, सनातन है, ऐसा निश्चय करके विद्वान ज्ञानी बालक की तरह चेष्टा करता है। त्वम पद का अर्थ जो जीवात्मा है और तत्पद का अर्थ जो ब्रह्म है, दोनों के अभेद को निश्चय करके भाव और अभाव, अर्थात भाव जो घट आदि पदार्थ हैं और उनका जो अभाव है, ये दोनों अधिष्ठान चेतन में कल्पित है। इस प्रकार समस्त जगत को तुच्छ जानकर जिस विद्वान की अविद्या नष्ट हो गई है, वह जिसके जानने की और कथन करने की इच्छा करता है किंतु किसी की भी नहीं करता, वह न किसी का कार्य को करता है, क्योंकि अब उसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। जिस विद्वान ने ऐसा निश्चय किया है कि सर्वरूप आत्मा ही है, वह बाह्य शरीर आदि के व्यापार से रहित हो जाता है और वही जीवन मुक्त भी कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में जो देहकार वृत्ति हुई थी, उस वृत्ति के नष्ट होने पर दानों की एकता को निश्चय करके ही पुरुष मुक्त हो जाता है। अर्थात जिस काल में मन नाना प्रकार की कल्पना से रहित हो जाता है, उसी काल में वह मुक्त कहा जाता है। अब संकल्प से रहित मन के स्वरूप को दिखाते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजा जनक,
जिसका मन संकल्प विकल्प से रहित हो गया है उसको न विक्षेप होता है और न वह एकाग्रता के लिए उद्यम करता है, क्योंकि जिसको विक्षेप होता है वही निरोध के लिए यत्न करता है। उसको पदार्थों का अत्यंत ज्ञान या मूढ़ता नहीं होती है और न उसको विषय जन्य सुख या दुख होता है, क्योंकि वह केवल आत्मानंद में मग्न है। जीवन मुक्त को स्वर्ग के राज्य मिलने पर भी न उसको हर्ष होता है न ही भिक्षावृत्ति में उसको विक्षेप होता है, और पदार्थ का लाभ और अलाभ दोनों उसको बराबर है। वन में रहे या घर में रहे वह एक समान रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि स्थिर चित्त वाले योगी को धर्म, काम और अर्थ के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहता, और इस काम को मैंने कर लिया है या इसको मैं करूंगा, इस प्रकार के द्वंद्वों से जो रहित है वही जीवन मुक्त योगी है। प्रश्न आता है कि जब जीवन मुक्त कोई क्रिया नहीं करेगा तब उसके शरीर का निर्वाह कैसे होगा? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जीवन मुक्त पुरुष की कोई क्रिया अपने संकल्प से नहीं होती और न कुछ उसको करने योग्य कर्म बाकी रहा है, क्योंकि उसको किसी पदार्थ में राग नहीं है और राग के बिना कोई कृत्य कर्म है ही नहीं, और राग द्वेष का हेतु जो अविद्या है वह उसकी नष्ट हो गई है। उसके शरीर की यात्रा प्रारब्ध वश से होती है। जीवन मुक्त के सब संकल्प नष्ट हो जाते हैं, इसी से उसको मोह भी किसी पदार्थ में नहीं रहता, इसी से उसकी दृष्टि में जगत भी नहीं प्रतीत होता है, और न वह ध्यान की तथा मुक्ति की इच्छा करता है, क्योंकि उसके मन की फुरना कोई भी बाकी नहीं रहता, कोई भी मन का अवशेष, मन की कल्पना, मन की इच्छाएं नहीं बचती है। जिसने इस विश्व को अर्थात जगत को देखा है वह यह नहीं कह सकता कि जगत है नहीं, क्योंकि उसको जगत होने और न होने की वासनाएं बनी है, और जो निर्वासनिक पुरुष है वह जगत को देखता हुआ भी नहीं देखता है, क्योंकि वह सुषुप्ति युक्त पुरुष की तरह मन के संकल्प और विकल्प से रहित है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस पुरुष ने सबसे अलग ब्रह्म को देखा है उसी को ऐसा अनुभव है, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, वो सारा जगत ब्रह्म रूप दिखाई देता है, और वह सर्व चिंता से रहित होकर कुछ भी चिंतन नहीं करता, और जो ब्रह्म का चिंतन है कि मैं ब्रह्म हूं उसको भी वह अभ्यास नहीं करता। जिस पुरुष ने अपने में विक्षेपों को देखा है वही विक्षेपों को दूर करने के लिए चित्त के निरोध की चिंता को करता है। जिसको कोई विक्षेप नहीं रहा है वह विक्षेप को दूर करने के लिए चित्त का निरोध भी नहीं करता है। जो विद्वान है वह लोकों में विक्षेप से रहित होकर प्रारब्ध वसात लोकों में रह करके बाधिता अनुवृत्ति करके व्यवहार को करता भी अपने आत्मा में निर्लेप स्थित है, क्योंकि न वह समाधि करता है और न विक्षेप को प्राप्त होता है। जो विद्वान अपने आत्मानंद करके ही तृप्त है वह स्तुति और निंदा आदि से रहित है, क्योंकि वह लोक दृष्टि से करता हुआ भी अकर्ता है। आत्मज्ञान करके उसके कर्तृत्व आदि अभ्यास सब नष्ट हो गए हैं। विद्वान को प्रवृत्ति में और निवृत्ति में कोई आग्रह अर्थात हठ नहीं है, क्योंकि वह कर्तृत्व आदि अभिमान से रहित है। यदि प्रारब्ध के वश से विद्वान को प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करने को पड़ जावे तब वह सुख पूर्वक उनको करता है और असंग भी बना रहता है, क्योंकि उसको कर्तृत्व आदि का अभिमान नहीं है। प्रश्न आता है कि यदि ज्ञानी निर्वासनिक है तब वह किस करके प्रेरणा किया हुआ कर्मों को करता है, अर्थात यदि वो उसको कर्म अकर्म सब एक जैसे हैं फिर वो किससे प्रेरणा लेकर के कर्म को करता है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, ज्ञानी जिस हेतु कर्म करके निर्वासनिक है उसी हेतु करके वह निरालंब भी है, अर्थात कर्तव्य का जो अनुसंधान अर्थात चिंतन है उससे वह रहित है और स्वच्छंद भी है, अर्थात वह राग द्वेष आदि के अधीन है, और बंधन का हेतु जो अज्ञान है उससे रहित है। जैसे सूखा पत्ता वायु करके वायु के प्रेरणा से इधर उधर डोलता है, वैसे ही ज्ञानी प्रारब्ध रूपी वायु से चलायमान होता है, इधर उधर फिरता है और अपना कर्म करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, ज्ञानी संसार से रहित है। संसार का हेतु अर्थात कारण अज्ञान जिसमें न रहे उसी का नाम असंसारी है, और हर्ष विषाद आदि भी उसमें नहीं उत्पन्न होते हैं, इसी से वह शीतल हृदय है और विदेह मुक्त की तरह वह रहता है, अर्थात शरीर में उसकी कोई भी वासना
नहीं रहती है। शिष्य अपने आत्मा में ही जो नित्य रमण करने वाला है, उसका चित्त भी स्थिर रहता है, उसकी इच्छा किसी पदार्थ के ग्रहण और त्याग में नहीं रहता है और न वह अनर्थ को करता है, क्योंकि अनर्थ का हेतु उसमें बाकी नहीं रहा है। स्वभाव से ही जिसका चित्त शून्य है, अर्थात विकार से रहित है, कदापि विकारी नहीं होता। आत्मा में ही जो शांति को प्राप्त हुआ है, ऐसा जो ज्ञानवान पुरुष है और अज्ञानी की तरह प्रारब्ध बस से चेष्टा को करता हुआ भी हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है, अपने मान अपमान का भी उसका अनुसंधान नहीं है। अब जरा सा ज्ञानी के अनुभव को हम देखते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, ज्ञानी ऐसा मानता है कि यह कर्म देह ने किया है, शुद्ध रूप आत्मा ने नहीं किया है, इसी कारण वह कर्मों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। राजा जनक प्रश्न करते हैं, अज्ञानी पुरुष व्यविचार कर्मों को करके यदि ऐसा कहे कि यह सब कर्म देह ने किया है, तब उसकी भी मुक्ति होनी चाहिए। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, अज्ञानी को कर्मों के फल में अभ्यास बना रहता है, क्योंकि शुभ कर्म करने से उसके चित्त में हर्ष उत्पन्न होता है और अशुभ कर्म करने से उसके चित्त में भय और लज्जा उत्पन्न होती है, और व्यविचार कर्म करने में छिपाने का प्रयत्न करता है। इस वास्ते उसका निश्चय कच्चा है, वह कदापि मुक्त नहीं हो सकता, और ज्ञानवान का व्यवहार उससे ठीक उल्टा है। शुभ कर्म करने से उसके चित्त में हर्ष नहीं होता और अशुभ कर्म करने से उसके चित्त में भय और लज्जा नहीं होती, और व्यभिचार कर्म करने के लिए वह प्रयत्न नहीं करता। जिस पुरुष का स्त्री आदिकों में राग होता है और जो उसके संग से आनंद मानता है, वही अज्ञानी व्यभिचार के लिए प्रयत्न करता है। जिस पुरुष को कभी मिश्री खाने को नहीं मिली है और न उसके रस को जानता है, वही गुड़ या राब के खाने के लिए यत्न करता है। जिसको नित्य ही मिश्री खाने को मिलती है, वह कदापि गुड़ के रस के लिए यत्न नहीं करता है। जो नीम का कीट है या बिष्टा का ही है, वह मिश्री के स्वाद को नहीं जानता। अज्ञानी पुरुष बिष्टा रूपी विषयानंद का स्वाद लेने वाला है, ज्ञानवान आत्मानंद रूपी मिश्री के स्वाद का लेने वाला है। इसी वास्ते अज्ञानी के आनंद को नहीं जान सकते हैं। मैं इस कार्य को करूंगा ऐसा न कहता हुआ जीवन मुक्त प्रारब्ध बस से कार्य को करता है, पर बालक की तरह वह मूर्ख नहीं हो जाता। संसारिक व्यवहार को करता हुआ भी वह प्रसन्न शांत चित्त वाला शोभायमान प्रतीत होता है। शिष्य, नाना प्रकार के विचारों से रहित ज्ञानी अंतरात्मा में ही शांति को प्राप्त होता है। वह संकल्प आदि मन के व्यापारों को नहीं करता और न बुद्धि के व्यापारों को करता है और न वह इंद्रियों के व्यापारों को करता है, क्योंकि उसमें कर्तव्य कर्मों का अभिमान नहीं है। ज्ञानी मुमुक्षु नहीं होता, क्योंकि विक्षेप की निवृत्ति के लिए मुमुक्षु समाधि को करता है। ज्ञानी में विक्षेप है ही नहीं, इसी के लिए वह समाधि को नहीं करता। उसमें बंधन भी नहीं है, क्योंकि द्वैत भ्रम उसका नष्ट हो गया है। जिसको द्वैत भ्रम होता है, उसको भी बंधन होता है। जनक जी प्रश्न करते हैं, फिर वह ज्ञानी कैसा है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, वह ब्रह्म रूप है, क्योंकि संपूर्ण जगत उसको पूर्व ही से कल्पित प्रतीत होता है, अर्थात कल्पना के सागर जैसा वह देखता है। पश्चात वह बाधितानुवृत्ति करके जगत को देखता है, अर्थात इस संसार को बंधन युक्त देखता है। इसी कारण वह निर्विकार चित्त वाला ही होता है। राजा जनक जी कहते हैं, संसार को देखता हुआ भी वह कैसे ब्रह्म रूप हो सकता है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जिस पुरुष के अंतःकरण में अहंकार का अभ्यास होता है, वह लोक दृष्टि करके न करता हुआ भी संकल्प आदि को करता है। जैसे जब कोई जटा रख करके धुनी लगा करके मौन होकर के बैठ जाता है, तब लोग कहते हैं कि बाबा जी कुछ नहीं करते हैं, पर वह भीतर मन में संकल्प करता है कि कोई बड़ा है, कोई बड़ा आदमी आवे तो भांग बूटी का काम चले। इस तरह से ज्ञानी का व्यवहार नहीं होता, उसको भीतर से ही संकल्प विकल्प नहीं स्फुटित होते हैं। इसी वास्ते वह कर्तृत्व आदि अभ्यास से रहित हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवन मुक्त का चित्त प्रकाश रूप है, इसी वास्ते वह उद्वेग को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उद्वेग का जो कारण है वह द्वैत है, वह उसके चित्त में नहीं रहा है और संकल्प विकल्प से भी शून्य है। इसी वास्ते उसका चित्त जगत से निराश है और संदेह से भी रहित है,
क्योंकि संदेह का जो कारण है वह अज्ञान है, वह उसमें अब रहा नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस ज्ञानी का चित्त संकल्प विकल्प रूपी चेष्टा करने में प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु वह चित्त के निश्चल और शुद्ध होने से अपने स्वरूप में स्थिर होता है, वह ज्ञानी अर्थात वह शिष्य मंद पुरुष तत् और त्वम पद के कल्पित भेद को श्रुति से श्रवण करके भी संशय विपर्य के कारण मूर्ता को ही प्राप्त होता है, अथवा तत् और त्वम पद के अभेद अर्थ को जानने के लिए समाधि को लगाता है। परंतु हजारों में कोई एक पुरुष उस अंतर से अर्थात अंतरात्मा से शांत चित्त वाला होकर बाहर से मूढ़वत व्यवहार करता है। मुमुक्षु जन चित्त की एकाग्रता के लिए और विपरीत याचना की निवृत्ति के लिए यत्न करते हैं, परंतु जो धीर पुरुष है वह कुछ भी पूर्वोक्त कृत्य को नहीं देखता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप में ही स्थित है। जिस पुरुष को जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय नहीं है वही पुरुष मूर्ख कहा जाता है। वह पुरुष चाहे चित्त को निरोध रूपी समाधि को करे अथवा कर्मों के अनुष्ठान को करे, वह कदापि परम सुख को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि आनंद का हेतु जो आत्मा का अनुभव है वह उसको है नहीं। और जो विद्वान अज्ञानी है वह न समाधि को और न कर्मों को करता है, परंतु निवृत्ति को अर्थात नित्य सुख को प्राप्त होता है, क्योंकि उसको कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रहा। गीता में भी कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि आत्मा में ही जिसकी रति है और अपने आत्मानंद करके ही जो तृप्त है, आत्मा में ही जो संतुष्ट है, बाहर के पदार्थों में जिसको तोष रोष कुछ नहीं है, उसको कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। जगत में कर्म आदि के कर्तव्य अभ्यास परायण जो अज्ञानी पुरुष है वे उस आत्मा को नहीं जानते। जो शुद्ध है अर्थात जो माया मल से रहित है, जो स्वयं प्रकाश है, जो परिपूर्ण है, जो प्रपंच से रहित है और जो दुख के संबंध से भी रहित है, अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो मूढ़ अज्ञानी जन है वह कर्म करके अर्थात योगाभ्यास रूप कर्म करके भी मोक्ष को कदापि नहीं प्राप्त होता है। तथाच न कर्मणा न प्रजया न धने, कर्मों को करके प्रजा करके धन करके पुरुष मोक्ष को कदापि प्राप्त नहीं होता, परंतु जिसका अविद्या मल दूर हो गया है वह केवल विज्ञान मात्र करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, अज्ञानी मूढ़ चित्त के निरोध करने से ब्रह्म रूप होने की इच्छा करता है, इसी वास्ते वह ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता है। और जिस धीर पुरुष ने अपने को ज्ञानी निश्चय कर लिया है वह मोक्ष की नहीं इच्छा करता, वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मूढ़ अज्ञानी है उसका ऐसा ख्याल है कि मैं वेदांत शास्त्र और आत्मवित्त गुरु के आधार के बिना ही केवल चित्त के निरोध से ही मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा दुराग्रही पुरुष संसार से छुड़ाने वाला जो ज्ञान है उससे उसे अपना मुख मोड़ लेता है। इस संसार के मूल ज्ञान को वह छेदन नहीं कर सकता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, मूढ़ अज्ञानी जिस हेतु चित्त के निरोध से शांति की इच्छा करता है, इसी वास्ते वह शांति को नहीं प्राप्त होता है। धीर जो है सो आत्म तत्व को निश्चय करके शांति की इच्छा नहीं करता है, इसीलिए वह शांति की प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति की इच्छा नहीं बल्कि इच्छाओं को शांत कर लेता है। जो अज्ञानी पुरुष है वह प्रत्यक्ष प्रमाण करके ही जाने हुए पदार्थ को सत्य रूप करके मानता है, इसी कारण उसको आत्मदर्शन कदापि नहीं प्राप्त होता है। और जो ज्ञानी है वह देखते हुए पदार्थ को नहीं देखता, किंतु उनके अंतर्गत कारण शक्ति सर्वत्र चिद्रूप आत्मा को ही देखता है। इसी कारण वह परमात्मा में सदा लीन रहता है और कार्य रूपी बाह्य पदार्थ उसको कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो अज्ञानी पुरुष शुष्क चित्त के निरोध में हट करता है उसका चित्त कभी निरोध की नहीं प्राप्त होती। अज्ञानी ही चित्त के निरोध के लिए समाधि लगाता है और जब वह समाधि से उत्थान करता है तो फिर उसका चित्त निश्चल है, उसका चित्त सर्वदा आत्मा में ही निरुद्ध रहता है। इसी के कारण सर्वदा उसकी समाधि बनी रहती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, कोई एक व्यक्ति ऐसा मानता है कि भाव रूप प्रपंच परमार्थ से सत्य है,
और कोई शून्यवादी कहता है कि सब प्रपंच शून्य रूप है क्योंकि शून्य ही से उसकी उत्पत्ति होती है और हजारों में से कोई एक आत्मा का अनुभव करने वाला होता है, वह भाव और अभाव दोनों की भावना का त्याग करके और स्वस्थ चित होकर अपने आत्मानंद में ही सदा। जो अज्ञानी पुरुष शुष्क चित्त के निरोध में हट करता है, उसका चित्त कभी निरोध को नहीं प्राप्त होता। अज्ञानी ही चित्त के निरोध के लिए समाधि लगाता है। जब वह समाधि से उत्थान करता है तब फिर उसका चित्त संसार के पदार्थों में फैल जाता है। और जो आत्मा में स्मरण करने वाला योगी है, जिसका चित्त निश्चल है, उसका चित्त सर्वदा आत्मा में ही निरुद्ध रहता है। इसी कारण सर्वदा उसकी समाधि बनी रहती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, कोई एक ही ऐसा मानता है कि भाव रूप प्रपंच परमार्थ से सत्य है, और कोई शून्यवादी कहता है कि सब प्रपंच शून्य रूप है क्योंकि शून्य ही से उसकी उत्पत्ति होती है, और हजारों में से कोई एक आत्मा का अनुभव करने वाला होता है, वह भाव और अभाव दोनों की भावना का त्याग करके और स्वस्थ चित्त होकर अपने आत्मानंद में ही सदा मग्न रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, अज्ञानी मूढ़ शुद्ध निर्मल द्वैत से रहित व्यापक आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका मोह संसारिक पदार्थों से निवृत्त नहीं हुआ है। इसी कारण उनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जब तक वे जीते हैं, संतोष को कदापि नहीं प्राप्त होते हैं। आत्मा के साक्षात्कार होने के बिना संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसकी बुद्धि संसारिक विषय का अवलंबन करती है, और जो निष्काम जीवन मुक्त है, उसकी बुद्धि आत्मा के आश्रय में रहती है। आत्मा के अचल होने से उसकी बुद्धि भी सदैव स्थिर रहती है। मूढ़ मुमुक्षु विषय रूपी व्याघ्नों को देख करके भय को प्राप्त होता है और चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने के लिए पहाड़ी कंदरा में प्रवेश कर जाता है, परंतु उसका कार्य सिद्ध नहीं होता। उसकी अंतर्वृत्ति फैलती जाती है और वह हर दिन दुखी होता जाता है। शांति उसको लेस मात्र भी नहीं होती है, और जो ज्ञानी जीवन मुक्त है, वह विषय रूपी व्याघ्र को इंद्रजाल जन्य पदार्थों की तरह देखकर उनसे भय नहीं खाता है, क्योंकि वासना रहित पुरुष रूपी सिंह को देख करके विषय रूपी हस्ती असमर्थ होकर भाग जाता है, और ऐसे ही नरसिंह की प्रतिष्ठा और सेवा इत्र पुरुष ईश्वर करके प्रेरित हुआ करते हैं। दूर हो गए हैं संशय जिसके, निश्चल है मन जिसका, ऐसा जो जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष है, वह यम नियामक क्रिया को भी हठ से नहीं करता क्योंकि उसको कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता। वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, अर्थात लोक दृष्टि करके सर्व क्रिया को करता हुआ अपने आत्मानंद में स्थिर रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि चिदात्मा के श्रवण मात्र से ही जिसकी शुद्धि अखंड कार बुद्धि उत्पन्न हुई है, वही अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित है। वह न आचार को न अनाचार को, अर्थात न शुभ न अशुभ कर्म को, न उनसे रहित होने की इच्छा को करता है क्योंकि वह सदा अपने मन में ही मग्न रहता है। जिस काल में वह ज्ञानी शुभ कर्म को अथवा अशुभ कर्म को करता है, वह प्रारब्ध के बस से देव गति से अकस्मात करता है। शोभन अशोभन बुद्धि करके और हठ करके नहीं करता है क्योंकि उसकी चेष्टा बालक की तरह प्रारब्ध के अधीन होती है, राग द्वेष के अधीन नहीं होती। स्वतंत्रता से अर्थात राग द्वेष की अधीनता से रहित पुरुष सुख को प्राप्त होता है, और उसी स्वतंत्रता करके पुरुष आत्मज्ञान को भी प्राप्त होता है, और स्वतंत्रता से ही पुरुष नित्य सुख को भी प्राप्त होता है, और स्वतंत्रता करके ही पुरुष परम शांति को भी प्राप्त होता है। जिस काल में विद्वान अपने को अकर्ता और अभुक्ता मानता है, उसी काल में चित्त की संपूर्ण वृत्तियां नष्ट हो जाती है, अर्थात जब वह ऐसा निश्चय करता है कि इस कर्म को मैं करूंगा और उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तब उसके चित्त की अनेक वृत्तियां उदित होती है और वह दुखी होता है। परंतु जब अपने को अकर्ता अभोक्ता निश्चय करता है, तब उसके चित्त की संपूर्ण वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है और वह शांति को प्राप्त होता है। राजा जनक प्रश्न करते हैं, केवल अकर्ता अभोक्ता निश्चय करने से ही यदि चित्त की वृत्तियों का अभाव हो जावे
और वह जीवन मुक्त हो जावे। तो बुद्ध ज्ञानियों के चित्त की वृत्तियों का अभाव होना चाहिए और उनका भी जीवन मुक्त कहना चाहिए, पर ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि बुद्ध ज्ञानियों के चित्त की वृत्तियां विषयों में लगी रहती है और उनको लोग जीवन मुक्त भी नहीं कहते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि केवल अकर्ता अभोक्ता मान लेने से ही वृत्तियों का निरोध नहीं होता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, उन बद्ध ज्ञानियों का जो कथन है, हम अकर्ता हैं, हम उपभोक्ता हैं, सो सब मिथ्या है, क्योंकि उनका अभ्यास बना है, उनकी विषयाकार वृत्तियां उदय होती है और न उनका निश्चय परिपक्व है। यदि निश्चय परिपक्व होता तो कदापि उनकी वृत्तियां विषयाकार उत्पन्न नहीं होती। एक दृष्टांत आता है, जैसे हिंदू धर्म के लिए गोमांस अति निषिद्ध है, अतः किसी हिंदू का मन गोमांस की तरफ स्वप्न में भी नहीं जाता है, वैसे ही जिस विद्वान ज्ञानी का यह परिपक्व निश्चय है कि मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, उसका मन कभी स्वप्न में भी विषयों की तरफ नहीं जाता है और उसकी विषयाकार वृत्ति कदापि नहीं उदय होती है। और जिसका निश्चय परिपक्व नहीं है, अर्थात जो बुद्ध ज्ञानी है, वह लोगों को सुनाता है कि मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, परंतु भीतर से उसकी विषयों की तरफ बिलार की तरह अर्थात बिल्ली की तरह दृष्टि रहती है। जैसे बिल्ली तब तक आंखों को मुंदे रहती है जब तक चूहे को नहीं देखती, जब चूहे को देखती है तुरंत झपट कर खा जाती है, वैसे ही बुद्ध ज्ञानी भी तब तक ही अकर्ता अभोक्ता बना रहता है जब तक विषय रूपी चूहे उनको नहीं दिखती। जब विषय रूपी चूहे उसके सामने आता है, तुरंत ही वह कर्ता और भोक्ता होकर उसको खा जाता है। एक निर्मल संत पंजाब देश के किसी ग्राम में एक युवती स्त्री को विचार सागर पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते उस पर उनका मन चलायमान हो गया, तब उसकी जांघों पर हाथ फेरने लगे। उस स्त्री ने कहा कि महाराज, अभी तो आपने मुझे पढ़ाया है कि भोगों को विष के तुल्य जानकर त्याग करना चाहिए, और आप ही अब मेरी जांघों पर हाथ फेरते हैं, यह क्या बात है। तब उन महात्मा ने कहा कि हम तुम्हारी परीक्षा करते हैं, तुमने समग्र विचार सागर पढ़ लिया है परंतु तुम्हारा देह व्यास नहीं छूटा। अब देखिए, महात्मा जी तो स्वयं अपना देह व्यास दूर नहीं कर सके और विषय लोलुप होकर पर स्त्री के जांघों पर हाथ फेरने लगे, परंतु दूसरे का देह व्यास छुड़ाने को तैयार थे। ऐसे बद्ध ज्ञानियों के चित्त में कदापि शांति नहीं होती। और दृष्टांत को भी सुनिए, पूर्व में एक पंडित किसी मंदिर में योग वासिष्ठ की कथा कहते थे। उनकी कथा में माई लोग भी बहुत आती थी और गंधर्व जाति की एक वेश्या भी उनकी कथा में आती थी और माई लोगों में बैठती थी। एक दिन कथा में स्त्री के संग का बहुत निषेध आया और पर स्त्री के संग का बहुत ही दोष निकला। उस दिन कथा कहते कहते जब पंडित जी की दृष्टि उस वेश्या के ऊपर पड़ी, तब पंडित जी का मन उस वेश्या में आसक्त हो गया। जब कथा समाप्त हुई तब सब कोई अपने अपने घर को चले गए, तो वह वेश्या भी अपने मकान को चली गई और जाकर उसने विचार किया कि आज से फिर मैं इस व्यभिचार कर्म को नहीं करूंगी। ऐसा निश्चय करके उसने अपना फाटक शाम से ही बंद कर दिया और भीतर बैठकर भजन करने लगी। इधर तो यह हाल हुआ और उधर पंडित जी कथा बाँच करके अपने घर गए। तब रात्रि आने का विचार करने लगे, इतने में रात्रि हो गई। जब एक पहर रात्रि व्यतीत हुई, तब पंडित जी सिर पर कपड़ा डाले हुए उस वेश्या के मकान के नीचे पहुंचे और जाकर किवाड़ को हिलाया, दरवाजे को नॉक किया। तब नौकर ने वेश्या से कहा कि पंडित जी आए हैं। वेश्या ने तुरंत किवाड़ खोल दिया। पंडित जी ऊपर गए तो वेश्या ने उनको पलंग पर बैठाया और खुद नीचे बैठी। तब पंडित जी ने कहा कि हे प्यारी, तू मेरे पास बैठ, हम तो आज तुम्हारे साथ आनंद करने आए हैं। वेश्या ने कहा कि महाराज, आपने ही तो आज कथा में विषय भोग की बड़ी निंदा सुनाई और फिर आप ही ने यह भी कहा था कि जो पुरुष पर स्त्री के साथ भोग करता है उसको यमदूत अग्नि से तपे हुए खंभों के साथ बांधते हैं और स्त्री को भी अग्नि से तपे हुए खंभों के साथ लगाते हैं, तब फिर मैं कैसे आपके साथ क्रीड़ा करूं। तब पंडित जी ने कहा कि जब कृष्ण जी ने अवतार लिया था तब उन्होंने उन सब खंभों को उखाड़ करके समुद्र में डाल दिया था, अब वे खंभे नहीं रह गए हैं, वे तो पूर्व युगों की वार्ताएं थी, इस युग की नहीं है, तू अपने को अकर्ता मानकर आकर आनंद ले। ऐसे बद्ध ज्ञानियों के चित्त कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए धर्म शास्त्र में भी कहा है, पठ कह पाठ काश्चैव
ये चान्य शास्त्र चिंतक सर्वे ते व्यसिनो मूर्खा यह क्रियावान स पंडिता। जितने शास्त्र के पढ़ने वाले हैं और जितने शास्त्र के पढ़ाने वाले हैं और जो केवल शास्त्र का विचार ही करते हैं वे सब व्यसनी और मूर्ख हैं। जो उनमें वैराग्य आदि साधन संपत्ति करके युक्त है वे ही पंडित है, दूसरे शास्त्र दृष्टि से पंडित नहीं है। पूर्वोक्त युक्तियों से यह सिद्ध हुआ कि जो अभ्यासी पुरुष है वह विद्ध ज्ञानी है। केवल अकर्ता अभुक्ता कहने से वह अकर्ता अभुक्ता कदापि नहीं हो सकता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जो पुरुष निष्प्रिय है उसकी भी स्वाभाविक स्थिति शोभा करके युक्त ही होती है, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं होती है। और जो मूड इच्छा करके व्याकुल है उसकी बनावट की शांति भी शोभ्यमान नहीं होती है। जिस ज्ञानी धीर के चित्त की सब कल्पनाएं नष्ट हो गई हैं, वह प्रारब्ध के बस कभी भोगों विषय क्रीड़ा करता है, कभी प्रारब्ध बस पर्वत और वनों में फिरा करता है, पर उसका चित्त सदा शांत रहता है, क्योंकि वह आसक्ति और कर्तव्य अभ्यास से रहित बुद्धि वाला है। हे शिष्य, जो श्रोत्रिय ब्रह्मवेता है उन विषय इंद्र अग्नि आदि देवताओं गंगा आदि तीर्थों के पूजा करने से कामना उत्पन्न होती है, क्योंकि वे निष्काम हैं और सुंदर स्त्री पुत्र आदि के प्रति और राजा को देख करके भी उनके चित्त में कोई वासना खड़ी नहीं होती, क्योंकि वे सर्वत्र समबुद्धि और समदर्शी हैं। हे शिष्य, जो ज्ञानी जीवन मुक्त है उनका चित्त भृत्यों करके यानी नौकरों करके पुत्र करके स्त्री करके कन्याओं का जन्म दे करके स्वगोत्रियों करके अर्थात संबंधियों करके भी तिरस्कार किया हुआ क्षोभ को नहीं प्राप्त होता है, और उन सत्कार किया हुआ न हर्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि राग द्वेष का हेतु जो मोह है सो मोह उनमें नहीं है। हे शिष्य, लोक दृष्टि करके खेद को प्राप्त हुआ भी वह खेद को नहीं प्राप्त होता है, और लोक दृष्टि करके हर्ष को प्राप्त हुआ वह हर्ष को नहीं प्राप्त होता है। ऐसे विद्वान की आश्चर्यवत लीला को विद्वान ही जानता है, दूसरा नहीं। कर्तव्यता एवं संसार न ताम पश्यन्ति सूर्यः शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामया। अर्थात हे शिष्य, ममेदम कर्तव्यम, मेरे को यह कर्तव्य है, ऐसे निश्चय का नाम ही संसार है। इसी कारण जीवन मुक्त ज्ञानी उस कर्तव्यता को नहीं देखता है और न उसका संकल्प करता है, क्योंकि वह संकल्प मात्र से रहित है। वह शून्य आकार है और निराकार आदि संकल्पों से भी रहित है और विकारों से भी रहित है, और जो आध्यात्मिक आदि रोग हैं उनसे भी रहित है। हे शिष्य, अज्ञानी शून्य मंदिरों में और वन आदि पर्वत आदि एकांत स्थानों में कर्मों को अर्थात शरीर इंद्रिय आदि के व्यापारों को न करता हुआ भी संकल्पों से व्यग्र चित्र वाला ही होता है, और विद्वान सर्वत्र शरीर इंद्रिय आदि के व्यापारों को लोक दृष्टि करके करता हुआ भी व्यग्र चित्र वाला नहीं होता, क्योंकि वह निःसंकल्प है। जीवन मुक्त ज्ञानी व्यवहार आदि में भी आत्म सुख करके ही स्थित रहता है, बैठते उठते सोते हुए खाते पीते संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी विद्वान शांत चित्त वाला ही बना रहता है। ज्ञानवान व्यवहार को करता हुआ भी अज्ञानी पुरुषों की तरह खेद को नहीं प्राप्त होता है, वह महाअलहद की तरह क्षोभ से रहित शोभा को प्राप्त होता है। मूल पुरुष के इंद्रियों के व्यापारों की निवृत्ति तो लोक दृष्टि करके अवश्य प्रतीत होती है, परंतु वह निवृत्ति प्रवृत्ति ही है, क्योंकि उसके अहंकार आदि निवृत्ति नहीं हुए हैं, और ज्ञानवान की लोक दृष्टि करके इंद्रियों की प्रवृत्ति प्रतीत भी होती है तो भी वह निवृत्ति रूप ही है और मुक्ति रूपी फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें अभिमान का अभाव है। देहाभिमान मूढ़ पुरुष को देह के साथ संबंध वाले जो धन विष्या आदि हैं उनमें यदि किसी निमित्त से वैराग्य भी उत्पन्न हो जाए तो भी वह वैराग्य शून्य है, परंतु जिसका देह आदि के साथ अभिमान नष्ट हो गया है उसको देह संबंधी पुत्र आदि को में न राग है और शत्रु व्याघ्न आदि में भी न विराग है। राग और विराग उसको होता है जिसको अपने देह का अभिमान है। हे शिष्य, मूढ़ पुरुष कहता है कि मैं भावना करता हूँ,
मैं अभावना करता हूँ, इस प्रकार सर्वदा भावना और अभावना में ही आसक्त रहता है, क्योंकि उसको भावना अभावना में अहंकार है, और जो अपने स्वरूप में निष्ठा वाला है उसकी दृष्टि भावना अभावना से रहित होकर सर्वदा अपने आत्मा में ही रहती है। जो विद्वान बालक की तरह कामना से रहित होकर पहले जन्म के कर्मों के बस से अर्थात प्रारब्ध बस से संपूर्ण आरंभों में प्रवृत्त होता है भी है तो भी वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि वह अहंकार रूपी मल से रहित है और इसी कारण उसमें कर्तृत्व भाव नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, वह आत्मज्ञानी पुरुष धन्य है जिसको सब प्राणियों में आत्मबुद्धि है, इसी कारण उसका चित्त तृष्णा से रहित है। वह सर्व पदार्थों को देखता हुआ, श्रवण करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सुंघता हुआ, खाता हुआ भी कुछ नहीं करता, किंतु वह सर्वदा शांत एक रस है। जो विद्वान सर्वदा संकल्प विकल्पों से रहित है उसको प्रपंच कहां और उसकी दृष्टि में स्वर्ग आदि कहां है? जब उसकी दृष्टि में स्वर्ग आदि ही नहीं है तब उनका साधनी भूत यगादिक उसकी दृष्टि में कहां है? आत्मवित जीवन मुक्त की दृष्टि में जबकि सर्वत्र एक आत्मा ही व्यापक परिपूर्ण है, दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है, तब स्वर्ग नरक और उनके साधन भूत पुण्य पापादिक भी कहीं नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजा जनक, जो विद्वान दृष्ट अदृष्ट अर्थात इस लोक के और परलोक के फलों की कामना से रहित है, अर्थात जो निष्काम है, वही परिपूर्ण स्वरूप वाला है, अर्थात अपने स्वरूप में ही जिसकी समाधि सर्वदा बनी रहती है, वही विद्वान है। वह सबसे श्रेष्ठ होकर संसार में घूमता फिरता है। हे जनक, जो विद्वान ज्ञात तत्व है अर्थात जिस विद्वान ने आत्म तत्व को जान लिया है उसी का नाम ज्ञात तत्व है, क्योंकि वह भोग और मोक्ष दोनों में निराकांक्षी है, आकांक्षा से रहित है, अर्थात दोनों में राग द्वेष से रहित है। हे जनक, महादि रूप जितनी जगत है अर्थात महत अहंकार पंच तन मात्रा पंच महाभूत और उनका कार्य रूप जितना जगत है वह केवल नाम मात्र करके ही फैला है, और आत्मा से भिन्न की कोई नई चीज प्रतीत होता है परंतु वास्तव में वे भिन्न नहीं है। वाचारंभम विकारो नामध्येयं मृतिकेत्वय सत्यमिति श्रुते। जितना का नाम का विषय विकार है वह सब वाणी का कथन मात्र ही है, मृतिका ही सत्य है। इसी तरह जितनी का नाम का घटपट आदि रूप जगत है वह सब कल्पना मात्र ही है, अधिष्ठान रूप ब्रह्मा ही सत्य है। जिस विद्वान ने संपूर्ण कल्पना का त्याग कर दिया है, जो केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप में ही स्थित है, उसको कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा। प्रश्न करते हैं, राजा जनक, अनर्थ की शांति के लिए प्रयत्न करना चाहिए? राजा जनक जी का बड़ा ही मौलिक प्रश्न है कि अनर्थ की शांति के लिए। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि अधिष्ठान के साक्षात्कार होने पर यह संपूर्ण जगत भ्रम करके ही कल्पित होता है, वास्तव में कुछ भी सत्य प्रतीत नहीं होता है। जिस पुरुष को ऐसा ज्ञान है वह कुछ भी प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि वह स्वभाव करके ही शांत रूप है। शांति के लिए फिर उसको कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता। जो विद्वान शुद्ध स्वरूप स्वयं के प्रकाश से चित्रूप अपने आप को देखता है, वह किसी और दृश्य अर्थात पदार्थ को नहीं देखता है, उसको कर्म में राग नहीं है और विधि कहाँ है, और किस विषय में उसको वैराग्य और किस विषय में सम अर्थात किसी और विषय में वह उलझा भी नहीं है। जो चित्रूप आत्मा में कार्य के सहित माया को नहीं देखता है, उसकी दृष्टि में बंधन कहाँ है और मोक्ष कहाँ है, हर्ष कहाँ है और विषाद कहाँ है? आत्मज्ञान पर्यंत ही संसार, जिसमें अर्थात आत्मज्ञान रूप ज्ञान रूप वाले अनंत वाले अंत वाले संसार में माया सबल चेतन ही विवर्त रूप कल्पित जगदाकर हो भासता है। ऐसे निश्चय वाले विद्वान का शरीर आदिकों में अहंकार नहीं रहता है, वह ममता से और कामना से रहित होकर विचरता है। जो विद्वान नाश से रहित संतापों से रहित आत्मा को देखता है उसको विद्या कहां और शास्त्र कहां,
क्योंकि उसकी दृष्टि में न जगत है और न शरीर है। आत्मा से अतिरिक्त उसका कोई स्फुरण नहीं होता। यदि अज्ञानी चित्त के निरोध आदि कर्मों का त्याग भी कर देवे तो भी वह मनोराज्य आदिकों और बाड़ी के प्रलापों को किया करता है। मूर्ख आत्मा का श्रवण करके भी अपनी मूर्खता का त्याग नहीं करता। मलिन चित वाले को आत्मा के श्रवण करने से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। मूर्ख बाह्य व्यापार से रहित होता हुआ भी मन में विषयों को धारण किया करता है। जिस विद्वान का अभ्यास कर्मों में आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ मालूम देता है, परंतु मैं कर्म को करता हूँ ऐसा वह कभी भी नहीं कहता, क्योंकि उसको आत्मज्ञान के प्रताप से कर्म फल की इच्छा ही नहीं होती है। हे शिष्य, जिस विद्वान के मोह आदि रूप सब विकार दूर हो गए हैं उसकी दृष्टि में तम कहाँ है और तम के अभाव होने से प्रकाश कहाँ है? ये दोनों सापेक्षिक हैं। एक के न होने से दूसरे की भी स्थिति नहीं है, क्योंकि लौकिक दृष्टि करके ही तम और प्रकाश है। सो लौकिक दृष्टि उसकी आत्मदृष्टि करके नष्ट हो जाती है, इसलिए उसकी दृष्टि में प्रकाश और तम दोनों नहीं रहते हैं। ऐसे विद्वान को कला आदिकों का भी भय नहीं रहता। उसको न कहीं हानि है, न लाभ, न किसी में राग है, न द्वेष है, न ग्रहण है, न त्याग है। अनिवार्य स्वभाव वाले योगी की को धीरता कहाँ है और विवेकता कहाँ है? स्वभाव रहित योगी को भय और निर्भयता कहाँ है? वह सदा आनंद रूप एक रस है। जीवन मुक्त आत्मज्ञानी की दृष्टि में न स्वर्ग है और न नरक है। प्रश्न करते हैं राजा जनक, नास्तिक भी स्वर्ग नरक को नहीं मानता है, अर्थात नास्तिक की दृष्टि में भी न स्वर्ग है न नरक है, तब नास्तिक में और जीवन मुक्त में कुछ भी भेद न रहा? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, नास्तिक की दृष्टि में यह लोक तो है परंतु परलोक नहीं है, और न उसकी दृष्टि में आत्मा है। वह तो केवल शून्य को ही मानता है, और ज्ञानी जीवन मुक्त की दृष्टि में लोक परलोक दोनों नहीं है, किंतु सर्वत्र एक आत्मा ही परिपूर्ण व्यापक है। आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी विद्वान की दृष्टि में नहीं है। जीवन मुक्त ज्ञानी न लाभ की प्रार्थना करता है और न अलाभ पर शोक करता है, किंतु उसका चित्त परमानंद रूपी अमृत द्वारा ही तृप्त अर्थात आनंदित रहता है। विद्या और कामुक कर्मों से रहित जो ज्ञानी है वह शांति आदि शुद्ध गुणों द्वारा युक्त हुए पुरुष की स्तुति नहीं करता। ज्ञानवान यदि किसी की स्तुति करता है, न किसी की को नमस्कार करता है, न अग्नि में हवन आदि करता है, वह न एक जगह वास करता है और न वह किसी की निंदा करता है, सुख दुख में सम रहता है, निष्काम होने से किसी कृत्य को नहीं देखता है। जो धीर विद्वान जीवन मुक्त है वह संसार के साथ द्वेष नहीं करता, क्योंकि वह संसार को देखता ही नहीं है, अपने आत्मा को ही देखता है। और यदि संसार को देखता है तो बाधितानुवृत्ति द्वारा देखता है, और इसलिए वह संसार के साथ द्वेष नहीं करता। परिपक्व अवस्था में वह आत्मा को भी नहीं देखता, क्योंकि वह स्वयं आत्मरूप और इसी कारण वह हर्ष आदि को और जन्म मरण से भी रहित होता है। विद्वान जीवन मुक्त निराश होकर ही शोभा को पाता है, क्योंकि स्त्री पुत्र इत्यादि के स्नेह से वह रहित है, और इसी कारण विषयों में और भोगों में वह निष्काम है, अर्थात अपने शरीर की स्थिति के लिए भी भोजन आदि की भी चिंता नहीं करता। धीर विद्वान को जैसे जैसे प्रारब्धवश से पदार्थ की प्राप्ति होती है वैसे ही वैसे वह संतुष्ट रहता है, और प्रारब्ध के बस से नाना प्रकार के देशों में, वनों में, नगरों में विचरता हुआ सर्वत्र ही तुष्ट रहता है। जिस विद्वान को अपना स्वरूप ही भूमि है अर्थात विश्राम का स्थान है, जिसको अपने स्वरूप में विश्राम करके किसी प्रकार की भी चिंता नहीं होती, चाहे देह रहे या न रहे, वही जीवन मुक्त है, वही संसार से निवृत्त है। जीवन मुक्त निर्विकार होकर संसार में रमण करता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, वह विधि निषेध का किंकर नहीं होता, स्वच्छंदचारी है, अपनी इच्छा से विचरता है, सुख दुख आदि द्वंद्वों से वह रहित है, संशयों से भी रहित है, वह किसी पदार्थ में भी आसक्त नहीं है।
ममता से रहित ही जीवन मुक्त ज्ञानी शोभा को पाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में पत्थर, मिट्टी और सोना सब बराबर हैं। आत्मज्ञान के बल से उसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है, रज तम रूप मल उसके दूर हो गए हैं। जिस विद्वान को किसी विषय में चित्त की रुचि नहीं है और जिसके हृदय में किंचित भी वासना नहीं है, वही अभ्यास से रहित ज्ञानी है। उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, केवल ज्ञानी के साथ ही की जाती है। जीवन मुक्त विद्वान पदार्थों को जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, कथन करता हुआ भी नहीं कथन करता है, लोक दृष्टि करके जानता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, परंतु परमार्थ दृष्टि करके न देखता है, न सुनता है, न बोलता है। निर्वासनिक ज्ञानी के बिना दूसरा ऐसा कौन कर सकता है? किंतु कोई भी नहीं कर सकता। जिस विद्वान की उत्तम पदार्थों में इच्छा बुद्धि नहीं है और अनुत्तम पदार्थों में दोष बुद्धि भी नहीं है, ऐसे जो निष्काम है, वह चाहे भिक्षुक हो अथवा राजा हो, संसार में वही शोभा को प्राप्त होता है। राजाओं में निष्काम जनक और श्री रामचंद्र जी हुए हैं, जिनके यश को आज तक संसार में लोग गान करते हैं, और विरक्तों में जड़ भरत, दत्तात्रेय और यज्ञ वालक आदि हुए हैं, जिनके शुद्ध चरित्र हस्तामल कवत सबकी दृष्टि में दिखाई दे रहे हैं। जो निष्कपट योगी है, कोमल स्वभाव वाला है, आत्मनिष्ठा वाला है, पूर्णार्थी है, स्वेच्छा पूर्वक आचरण वाला है, उसको संकोच कहाँ है और वृत्त आदि संचरण कहाँ है, उसको कर्तृत्व कहाँ है? कहीं नहीं है, क्योंकि पदार्थों में उसका अभ्यास नहीं है। जो विद्वान अपने आत्मा में तृप्त है, वह शांत है, संसार से निराश है। जो आनंद वह अपने अंतःकरण में अनुभव करता है, वह उस आनंद को लोगों के प्रति कह नहीं सकता, क्योंकि उसके तुल्य दूसरा कोई आनंद उसको नहीं मिलता है। एक दृष्टांत आता है। एक कुमारी कन्या ने विवाहिता कन्या से पूछा कि पति के साथ संभोग में कैसा आनंद है। एक कुमारी कन्या ने एक विवाहिता कन्या से पूछा कि पति के साथ संभोग में कैसा आनंद है। उसने कहा, वह आनंद मैं कह नहीं सकती हूँ, उस आनंद की उपमा कोई नहीं है। जब तू विवाही जावेगी, तब आप ही तू जान जाएगी, क्योंकि वह स्वसंवेद्य है। वैसे ज्ञानवान का आनंद भी स्वसंवेद्य है, वह वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता है। जीवन मुक्त विद्वान सुसुप्ति के होने पर भी सुसुप्ति वाला नहीं होता, और स्वप्न अवस्था के प्राप्त होने पर भी वह स्वप्न अवस्था वाला नहीं होता। जागृत अवस्थाओं में जागता हुआ भी वह जागता नहीं है, क्योंकि तीनों अवस्था वाली जो बुद्धि है, उसका वह साक्षी होकर उससे पृथक है। ज्ञानवान जीवन मुक्त लोगों की दृष्टि में चिंता युक्त प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह चिंता रहित है। लोक दृष्टि से वह इंद्रियों के सहित है, वास्तव में वह निरिंद्रिया है। लोगों की दृष्टि में वह बुद्धि युक्त प्रतीत होता है, वास्तव में वह बुद्धि रहित है। लोगों के दृष्टि में अहंकार के सहित है, वास्तव में वह अहंकार रहित है, क्योंकि सर्वत्र ही उसकी आत्मा दृष्टि है। जो अपने आप में आनंद है, वह और किसी में देखता नहीं है। जीवन मुक्त ज्ञानी लोक दृष्टि से तो वह विषय भोगों द्वारा बड़ा सुखी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह विषय जन्य सुख से रहित है, और फिर लोक दृष्टि से शारीरिक आदि रोग करके दुखी भी प्रतीत होता है, परंतु आत्मदृष्टि से वह रोग आदि के दुखों से रहित ही है, क्योंकि अंतःकरण के उदय होने के साथ उसका अभ्यास नहीं रहा। प्रश्न आता है कि अभ्यास किसको कहते हैं? सत्यानृतवत्त्वभेद प्रतीतिरध्यासः, सत्य वस्तु और मिथ्या वस्तु की जो अभेद प्रतीति है, उसी का नाम अभ्यास है। सो सत्य वस्तु आत्मा है और मिथ्या वस्तु अंतःकरण है। इन दोनों की अभेद प्रतीति अज्ञानी को होती है, इसी वास्ते अंतःकरण के धर्म जो सुख दुख आदि है, उनको वह अपने में मानता है, और इसी से वह सुखी और दुखी रहता है। ज्ञानी का अभ्यास रहा नहीं, इसी वास्ते वह सुख दुख आदि को अंतःकरण में मानता है, अपने में नहीं मानता। इसी कारण वह सुख दुख आदि को से रहित ही रहता है। ऐसा जीवन मुक्त विरक्त भी नहीं है, क्योंकि
उसका विषयों में द्वेष नहीं है और वह मुक्त भी नहीं है क्योंकि प्रथम से ही उसको बंधन नहीं है। यदि बंधन होता तो वह मुक्त भी होता। बंधन उसको न था न है, जो कहते हो अपने आप में स्थित है। संसार में ज्ञानवान पुरुष धन्य है क्योंकि लोक दृष्टि द्वारा उसको विक्षेप होने पर भी वह विक्षिप्त नहीं होता है, क्योंकि उसको स्वप्रकाश आत्मा का अनुभव हो रहा है और लोक दृष्टि करके वह समाधि में भी स्थित होता है। परंतु वास्तव में वह समाधि में स्थित भी नहीं है क्योंकि उसको कर्तृत्व अभ्यास नहीं है। फिर वह लोक दृष्टि द्वारा जड़ प्रतीत होता है क्योंकि जड़ की तरह वह विचरता है, परंतु वास्तव में वह आत्मदृष्टि होने से जड़ नहीं है। फिर वह लोक दृष्टि करके पंडित प्रतीत होता है, परंतु वह पंडित भी नहीं है क्योंकि उसको अभिमान नहीं है। इन्हीं कारणों से वह जीवन मुक्त धन्य है। जीवन मुक्त को प्रारब्ध के बस से जैसी स्थिति प्राप्त होती है उसी में स्वस्थ चित वाला ही वह रहता है। वह उद्वेग को कदापि नहीं प्राप्त होता है और पूर्व किए हुए तथा आगे करने वाले दोनों कर्मों में संतुष्ट चित ही रहता है क्योंकि उसमें हठ अर्थात आग्रह किसी प्रकार का भी नहीं है। इसी वास्ते वह किए हुए और न किए हुए कर्मों का स्मरण भी नहीं करता है। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुषों द्वारा स्तुति को प्राप्त हुआ भी हर्ष को नहीं प्राप्त होता है और इधर पुरुषों द्वारा निंदा किया हुआ भी क्रोध को नहीं प्राप्त होता है और मृत्यु के आने पर भी वह भय को नहीं प्राप्त होता है क्योंकि उसकी दृष्टि में आत्मा नित्य है। जन्म मरण कोई वस्तु नहीं है। उसको अधिक जीने की न इच्छा है और न मरने का शोक है। वह सदा एक रस है। जो जीवन मुक्त शांत चित है वह जनों द्वारा भरे पूरे देश को भी नहीं दौड़ता है क्योंकि उसके साथ उसका राग नहीं है और वन की ओर भी नहीं दौड़ता क्योंकि मनुष्य के साथ उसका द्वेष नहीं है। जहां तहां वन में अथवा नगर में वह स्वस्थ चित होकर एक रस जो का त्यों ही रहता है। हरिओम तत्सत। इस प्रकार आत्मज्ञान से अभिभूत श्री अष्टावक्र मुनि के द्वारा दिए गए ज्ञान इस 18वें प्रकरण में आज हम लोगों ने देखा और इस प्रकार से यह 18वां प्रकरण यहां पर विश्राम लेता है। इसके बाद हम लोग 19वां प्रकरण अर्थात 19वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे आज यहीं तक। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।